दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को अच्छा बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत वेस्ट इंडीज के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन जब अश्विन और जडेजा ने चटका दिए थे वेस्ट इंडीज के 150 रन पर 10 विकेट, तब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने छक्के चौकों की बरसात कर शतक जड़ रचा इतिहास। आखिर रोहित जायसवाल की पूरी बल्लेबाजी वीडियो में तो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत डोमिनिका पार्क स्टेडियम से शुरू हुई, जहां इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान ब्रेथवेट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और यह फैसला उनकी टीम पर ही भारी पड़ गया। दरअसल हुआ ये कि भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज की टीम को 10 विकेट उनके चटकाकर 150 रन पर ही समेट दिया और अब वेस्ट इंडीज की टीम काफी ज्यादा इस मुकाबले में पिछड़ चुकी थी। हुआ ये कि जब क्रेग ब्रेथवेट और चंद्रपोल ने पारी की शुरुआत की तो यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन ने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को आउट किया, जहाँ चंद्रपोल 12 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं ब्रेथवेट ने 20 रन की पारी खेली। अब ये दो बड़े झटके मात्र 38 रन के स्कोर पर लग जाने के बाद रेमन रेफर और जर्माइन ब्लैकवुड मैदान पर आए। यहाँ पर ना तो रेफर का बल्ला चला और ना ब्लैकवुड का, दोनों बल्लेबाजों के विकेट शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा ने चटकाया। अब 68 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। वेस्ट इंडीज की टीम को यहाँ से संभलने की जरूरत थी और एक अच्छी साझेदारी निभाने की भी, लेकिन यहाँ पर एलिक अथनाजे ने बस अपनी टीम के लिए रन बनाए, बाकी कोई भी बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर जोशुआ डी सिल्वा 2 रन तो वहीं जेसन होल्डर 18, अल्जारी जोसफ 4, रकीम कॉर्नवेल ने 19 रन की पारी खेली, किमार रोच 1 और जोमेल वेरिकन 1 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन एलिक अथनाजे ने 47 रन बनाकर अपनी टीम का मान सम्मान रखा और उनको 150 रन के करीब पहुंचाया। अब दोस्तों 150 रन पर 10 विकेट गवाकर वेस्ट इंडीज की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। हालांकि यहां पर भारतीय गेंदबाजी में सबसे शानदार आज साबित हुए रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने 25 ओवर फेंकते हुए 60 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, तो वहीं एक एक विकेट मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को मिला और 3 विकेट रविंद्र जडेजा ने लिए। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ कर दिखाने की। अब भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर आए, जहां इन दोनों बल्लेबाजों से पहले ही पूरा भारत उम्मीद लगाए बैठा था और इन दोनों बल्लेबाजों ने आज पूरे भारत देश के दिल भी जीत लिए। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने सबसे पहले तो अपना अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम 15वें ओवर तक ही दे दिया था, जहां इस बीच रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल शानदार बल्लेबाजी करते हुए लगातार अंतराल पर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए नजर आए और दोस्तों टीम इंडिया देखते ही देखते यहां 50 रन का तो आंकड़ा पार कर ही चुकी थी, लेकिन किसी को क्या ही पता था कि जायसवाल और रोहित का बल्ला ऐसा मैदान पर टिक जाएगा कि इन दोनों बल्लेबाजों को पिच से हटाना भी मुश्किल हो जाएगा। हुआ ये कि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने आज मिलकर मुकाबले में अंत तक बल्लेबाजी की और भारत ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ 80 रन भी बना दिए। जी हां दोस्तों 150 रन पर जहां एक तरफ वेस्ट इंडीज की पूरी टीम ढेर हो गई थी और 80 रन तक तो वेस्ट इंडीज की टीम के लगभग 6 विकेट गिर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय टीम ने आज की इस पिच को नजरअंदाज तो किया नहीं, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहां यशस्वी जायसवाल अपने अर्धशतक के बेहद ही नजदीक पहुंचे, तो वहीं उनका साथ निभाने वाले रोहित शर्मा ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 30 रन की पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का भी लगाया, तो वहीं रोहित शर्मा का साथ निभाने वाले यशस्वी जायसवाल ने 40 रन बनाए 6 चौकों की बदौलत और 73 गेंद का सामना उन्होंने किया। तो ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम ने 23 ओवर में बिना कोई विकेट गवाए 80 रन बना लिए हैं और पहले दिन का खेल भारतीय टीम के लिए बेहद ही शानदार रहा और भारतीय टीम अभी दूसरे दिन के मुकाबले के शुरू होने से ठीक पहले 70 रन टीम से पीछे है, लेकिन दोस्तों उम्मीद यही लग रही है कि अब ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिककर अच्छी बल्लेबाजी अगर कर गए तो अगर 300 रन भी भारत की टीम ने बना दिए तो वेस्ट इंडीज की टीम 300 रन तक भी पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाएगी और यहां पर रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल के बल्ले से अब शतक निकलना भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों यहां पर भारतीय टीम तो अब जीतने की कगार पर पहला टेस्ट मुकाबला पहले दिन ही पहुंच चुकी है, लेकिन अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारत या वेस्ट इंडीज में से कौन सी टीम पहला टेस्ट मुकाबला अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।